Limitations of cloud computing. In this module, we will discuss some of the limitations or challenges that cloud computing pose on its user. So, aaiye inko review karein. Sabse pehle, it is a security risk of public cloud. To agar aapne public cloud use kar rahe hain, jiska matlab hai ki sare employees jo in-house hain ya outside hain, agar wo services use kar rahe hain, to wo apna data public cloud ke andar store karenge. तो देयर आर चांसेस कि जो भी डेटा आप स्टोर कर रहे हैं इफ दैट इज ए प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल तो उसमें प्राइवेसी के इश्यूज आ सकते हैं या कोई उसको एक्सेस कर सकता है. एडिशनल कॉस्ट, अगर बहुत ज्यादा आपके पास यूजर्स हैं या उसके साथ साथ अगर वो बहुत ज्यादा एक्सेस कर रहे हैं, ऑन डिमांड एक्सेस कर रहे हैं, याद रहे कि क्लाउड सर्विसेज जो आप यूज करेंगे उसके पैसे आप प्रोवाइड करेंगे. लेकिन अगर यूजेज बहुत ज्यादा हो रही है तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आप उस सर्विस के पैसे ज्यादा दे रहे हैं एज कंपेयर टू कि आप इन हाउस उस सॉफ्टवेयर को ले आए. इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, तो अगर आपने क्लाउड प्रोवाइडर डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स को यूज करना है और उनकी सर्विसेज को यूज करना है तो इट मे बी ए मोर कॉम्प्लेक्स टास्क देन कि आप अपनी कंपनी में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं. कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी, तो देयर माइट बी ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि जो आपका करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो आप क्लाउड प्रोवाइडर और जो आपका स्ट्रक्चर है उसमें कोई रिडंडेंसी हो या सर्विसेज जो आप यूज कर रहे हैं वो आपके पास भी अवेलेबल हो और जो क्लाउड प्रोवाइडर आप यूज कर रहे हैं उसके पास भी हो. तो यू हैव टू बी मेक श्योर के बिफोर मेकिंग द डिसीजन कि कौन सी क्लाउड एप्लीकेशन आपने यूज करनी है, किस क्लाउड प्रोवाइडर को आपने सेलेक्ट करना है, किस किस्म की वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. क्रिएट फॉर्मल डेटा मैनेजमेंट प्लान, याद रहे कि जो आप सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी यूज कर रहे हैं ओवर द ब्राउजर उसका सारा डेटा जो क्लाउड प्रोवाइडर है उसके डेटा जो सर्वर है उसके ऊपर स्टोर होगा. तो यू हैव टू मेक एन इलेबोरेटिव डेटा प्लान, डेटा मैनेजमेंट प्लान, जिसमें डेटा कैसे स्टोर होगा, कलेक्ट कैसे होगा, उसकी सिक्योरिटी के क्या क्या इश्यूज हैं, उसके एक्सेस किसको एक्सेस, किस लेवल का एक्सेस होगा. तो वो अगर प्लान होगा तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो प्लान एज पर जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो हो और उसके साथ साथ जो भी डेटा आप स्टोर कर रहे हैं वो प्रॉपरली और सिक्योर तरीके से स्टोर हो. डाउन टाइम, अगर किसी वजह से क्लाउड प्रोवाइडर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो उसकी एप्लीकेशन या उसका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस या इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस किसी वजह से डाउन हो जाता है या उनका सर्वर किसी वजह से स्लो या क्रैश हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी में जितने भी यूजर्स हैं वो अब उस एप्लीकेशन को या उस सर्विस को एक्सेस नहीं कर सकते. लोअर बैंडविड्थ, अगर आपकी कंपनी में बहुत ज्यादा ट्रैफिक नेटवर्क पे है या जो क्लाउड प्रोवाइडर है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वहां पे अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गई है तो हो सकता है कि स्पीड स्लो हो जाए क्योंकि आप सारी सर्विसेज ओवर द इंटरनेट यूज कर रहे हैं. और अगर आपकी कंपनी में बैंडविड्थ जो आपने इंटरनेट की खरीदी हुई है वो कम है तो जो परफॉर्मेंस होगी एप्लीकेशन को यूज करने की या उसको एक्सेस करने की वो भी स्लो हो जाएगी. परफॉर्मेंस कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन यू हैव एंड व्हाट टाइप ऑफ द वेंडर यू आर एक्चुअली डीलिंग विद, ताकि अगर उनका सर्वर स्लो है या वहां पे ट्रैफिक ज्यादा है या आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है और आप जो एक्सेस जिस तरीके से कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है इश्यूज आए. नेटवर्क कनेक्शन डिपेंडेंसी, तो नेटवर्क का 24/7 ऑनलाइन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका नेटवर्क जो है वो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, आपका जब इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो स्लो है, जिसका मतलब ये होगा कि जब यूजर्स यूज करेंगे वो सर्विस तो उनमें भी इश्यूज आएंगे. लिमिटेड फीचर, तो देयर माइट बी कंपनीज के जो जब आप इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं कोई एप्लीकेशन या कोई सर्विस तो लिमिटेड फंक्शनैलिटी के साथ आपको वो सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी मिले, तो यू हैव टू मेक ए डिसीजन कि किस किस्म की रिक्वायरमेंट्स आपकी हैं और उसके साथ साथ किस किस्म की फंक्शनैलिटी आप चाहते हैं फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सर्विस. टेक्निकल इश्यूज, अगर क्लाउड प्रोवाइडर के एंड पे कोई टेक्निकल इश्यूज आ गया है जिससे डाउन टाइम हो रहा है उसका इफेक्ट आपके ऊपर भी पड़ेगा क्योंकि आपके यूजर उस सर्विस को यूज कर रहे हैं. इन ट्रांजिट सिक्योरिटी, बैकअप द बैकअप्स, अब इसमें याद रहे कि डेटा सारा स्टोर हो रहा है वेंडर की साइड पे जो उस क्लाउड प्रोवाइडर का है और अगर कोई बैकअप लेना है तो आपने तो बैकअप ले लिया और उसकी एक कॉपी रख ली, लेकिन अगर क्लाउड प्रोवाइडर जो है वो उसको बैकअप नहीं कर रहा या किसी वजह से इश्यूज आ रहे हैं तो उसमें ओवरऑल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. और
सिक्योरिटी का पूरा प्लान क्लाउड प्रोवाइडर के पास होना चाहिए, ताकि जो भी डेटा आप स्टोर कर रहे हैं, अगर वो कॉन्फिडेंशियल और प्राइवेट है, तो उसका मतलब ये है कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक्सेस नहीं होना चाहिए, उनको शेयर नहीं होना चाहिए. तो यू हैव टू मेक ए डिसीजन के देर आर लिमिटेशन ऑफ क्लाउड सर्विसेज, एंड आफ्टर लुकिंग एट द बेनिफिट्स यू हैव टू मेक ए डिसीजन कि आपने क्लाउड सर्विसेज यूज करनी है या नहीं यूज करनी इन योर ऑर्गेनाइजेशन.